It's okay. It's personal. No. Walking. Don't do that. Why? I don't like touches so much. इस अंग्रेजी मीडियम ने सारी हदें पार कर दी हैं। शो के बीच में लड़कियों से छेड़छाड़ी और मिसबिहेव कैसे कर दिया भाई? रेडी नहीं है व्हेन शी इज नॉट कंफर्टेबल विद द टच, तो तू साला टच कर क्यों रहा है? और जिस तरीके से भाई उसने आगे की तरफ खींचा भाई, ये मुंह में मुंह डाल देता गंदा आदमी। एक तो भाई मेरे को इसका गेम प्ले बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, एक तो बिग बॉस भाई इन अंग्रेजों को ले क्यों आता है? एक बार इन्होंने एक्सपेरिमेंट करा, इन्होंने क्या करा, सनी लियोन को ले आए कि चलो, और वो सीजन थोड़ा बढ़ गया और उसके बाद सनी लियोन का भी करियर बहुत ऊपर चला गया, वो बात अलग है। लेकिन भाई हर बार एक ऐसा फुद्दू लेके आना जरूरी है क्या? और उसके बाद मैं आपको बता दूं, आकांक्षा ने भी उसको बोला कि आई डोंट लाइक काइंड ऑफ टच, और फलाना डिमका और फुकरा अलग से ही मजे ले रहा है। भाई फुकरा भाई स्टैंड लेना चाहिए था, लेकिन भाई आकांक्षा ने खुद का इतना बड़ा स्टैंड नहीं लिया, बस एक बार बोला कि आई डोंट लाइक द टच, उसके बाद फिर वहीं मुंह मारने चले गए लोग। भाई ये गलत हो रहा है, दिस इज कम्प्लीटली रॉन्ग। बच्चे देख रहे होते हैं यार OTT आजकल सब किसी के पास, सब किसी का एक्सेस है। बाकी ये स्टैंड लेने वाली बात ही, आई होप सलमान इस पर कुछ करें, दिस वॉज कम्प्लीटली रॉन्ग। और देखते हैं क्या करते हैं, बाकी जब तक लड़कियां ही खुद का स्टैंड नहीं लेंगे ना, कोई और स्टैंड ले ही नहीं सकता। आपकी राय मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, जब तक मिलता हूं आपसे जल्द, बाय बाय।